press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मैं संग्राम सिंह मनीलॉजी में आपका तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूं। आज देखिए महायोद्धा के अंदर, संग्राम के महायोद्धा के अंदर आज जो मैं योद्धा आपके सामने ला रहा हूं, ये इतना जबरदस्त योद्धा है कि इसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, है ना, जितनी बात की जाए उतनी कम। इसको सब ट्रैक करते हैं, सब देखते हैं, मेरे ख्याल से हर एक बंदा जो इंडिया में रहता है या विदेशों में भी इसको जरूर देखा जाता है। आप एकदम सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं आज निफ्टी की। आज कोई स्टॉक नहीं है योद्धा के अंदर, आज जो चीज है इंडेक्स है जिसका नाम है निफ्टी। निफ्टी में ऑलमोस्ट जितनी गिरावट होनी थी मेरे ख्याल से वो ऑलमोस्ट उतनी हो चुकी है और अब निफ्टी ने अपने ऊपर का जो सफेद है वो वापस चलना स्टार्ट कर दिया है। तो आइए फटाफट आपको चार्ट में ले जाता हूं और वहां से मैं आपको दिखाता हूं कि भाई कैसे एंट्री लेनी है और कहां स्टॉप लॉस रखेंगे। तो चलिए फटाफट चार्ट पे हैं निफ्टी के चार्ट पे, और इस चार्ट में ऐसा क्या है जो इसको योद्धा बनाता है उस पे मैं थोड़ी देर में डिस्कशन करूंगा। उससे पहले मैं आपकी नजर जो है एक और इम्पोर्टेंट चीज पे ले जाना चाहूंगा जिस पे शायद आपने अब तक ध्यान नहीं दिया होगा, आपने इनसेंस बहुत सारों ने ध्यान नहीं दिया होगा, तो आइए जरा फटाफट उस चीज को देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये निफ्टी का पीई है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। क्या होता है आप सब जानते होंगे, तो निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20.6 है। अगर आप नहीं जानते कि निफ्टी मतलब पीई रेशियो क्या होता है तो आप सिर्फ टाइप कर दें यूट्यूब पे पीई रेशियो और उसके बाद मनी लॉजी डाल दीजिएगा तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, आपको देख लें और जरूर देखेगा अगर आपने वो नहीं देखा है। तो अभी जो निफ्टी का पीई है वो 20.6 का है। थोड़ा सा और अगर ध्यान दें तो आपको दिखेगा कि एक महीने के हम हाई पे हैं, निफ्टी का पीई अभी लास्ट वन मंथ में हाई पे है, लेकिन तीन महीने में अबव एवरेज और बाकी सिक्स महीने में, सिक्स मंथ, वन ईयर, टू ईयर और फाइव ईयर में आप बिलो एवरेज हो। तो मतलब बहुत अच्छे लेवल्स पे आपको निफ्टी अभी मिल रहा है। अगर आप कंपेयर करेंगे चार्ट को पी वाइज, प्राइस वाइज मत देखिए, है ना, पी वाइज अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे आपको ये अभी प्रेजेंट मौके पे मिल रहा है। चलिए अब जरा ये देखने के बाद हम जरा चार्ट को एक बार फिर से देखते हैं। ये चार्ट जो आप देख पा रहे हैं ये मैंने इकोनॉमिक्स टाइम्स का ओपन किया हुआ है और यहां पे अगर आप देखें तो ये जो ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज आपको दिखाई पड़ रही है ये 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने बड़ी आराम से इसके ऊपर चलना शुरू कर दिया है। तो अभी आप 50 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं जो कि अच्छा माना जाता है, है ना, अच्छा माना जाता है। अब गए तो यहां पे भी थे यार, गए तो यहां पे भी थे ना, तो यहां से गए और फिर यहां से नीचे आ गए। तो आप बोल रहे हो यहां से गए क्या भरोसा है नीचे नहीं आएगा, मैं कब बोल रहा हूं कि नीचे नहीं आएगा, आ सकता है। मैं जरूर कह रहा हूं कि भाई प्राइस नीचे आ सकता है, इसलिए मैं इसको योद्धा कह रहा हूं, ठीक है। तो आपको यहां पे या ये वाली जो मूव है ना ये इससे अलग है, इसको मैं वन पकड़ता हूं और इसको मैं टू कहता हूं। तो टू वाला जो मूव है वो वन वाले मूव से अलग है। कैसे अलग है मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, पहले आप स्टॉप लॉस देख लीजिए कि मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आप पहले ये समझ लें और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला मूव पहले वाले मूव से अलग क्यों है,
हम कह रहे हैं कि ये जो अभी ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर जाने की, कंटिन्यू करने की संभावना बहुत ज्यादा है? मैं आपको फिगर बताऊं, पहले स्टॉप लॉस देखें। स्टॉप लॉस आपका देखिए ये होना चाहिए, ये आपका स्टॉप लॉस होगा और ये होगा आपका मेन स्टॉप लॉस। तो इसको आप अलार्म पकड़ लें, इसको आप अलार्म समझ लें। मतलब अगर गलती से निफ्टी इसके नीचे जाना शुरू कर दे तो आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि शायद कुछ गलत हो रहा है या हो सकता है। और अगर आप इसके नीचे चले जाएं तो आप एग्जिट कर दें। अब इसके नीचे मैं आपको जरा प्राइस के साथ बता दूं, ये लेवल रहेगा 15,511 का। अगर गलती से आप 15,511 के नीचे चले जाएं तो आप एक बार अपना माल बेच के एग्जिट कर जाएं, अपनी गलती मान लें। ठीक है, आप अपनी गलती मान। चलिए, अब किस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये जो आपका मूव है, जो सेकेंड वाला जो एरिया है, ये संकेत दे रहा है कि आप निफ्टी ऊपर जा सकता है, जरा मैं वो आपके साथ शेयर कर लूं। तो पहला कारण देखिए मैं आपको बता रहा हूं, पहले एक बार जरा बॉलिंजर बैंड लगा लूं स्क्रीन पे, एक बार बॉलिंजर बैंड लगाते हैं और देखते हैं। तो देखिए, जब ये हुआ था, ये वाला मूव जब हुआ था, इस मूव में निफ्टी ने बॉलिंजर बैंड को ब्रेक नहीं किया था, निफ्टी ने बॉलिंजर बैंड को ब्रेक नहीं किया था। इस वाले मूव के अंदर निफ्टी ने बॉलिंजर बैंड को ब्रेक कर दिया और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो पहला अंतर आपने देख लिया, पहला डिफरेंस मालूम पड़ गया। चल अब आते हैं दूसरे पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी आपको बता। इसको समझने के लिए मैं यहां पे एक और इंडिकेटर लगाऊंगा। देखिए, इस इंडिकेटर का नाम है MACD। तो मैंने यहां पे MACD लगाया और MACD मैंने यहां पे क्रिएट कर। अगर आप MACD देखेंगे तो जब ये वाला मूव यहां से ऊपर जा रहा था तो MACD आप देखें लोअर लोज बना रहा था। अगर आप देख पाए तो ये लोअर लो बना रहा था। ठीक है, MACD में लोअर लो बन रहे थे, प्राय MACD नीचे जा रहा था, लोअर लोज बन रहे थे। लेकिन अगर आप ये वाला एरिया देखेंगे, यहां से यहां का एरिया देखिए और यहां से यहां का MACD देखिए, तो प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, MACD ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे चीज को डाइवर्जेंस कहते हैं और आपको यहां पे डाइवर्जेंस का ब्रेकआउट मिलते हुए दिखाई पड़ता है, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग MACD क्या होता है, बॉलिंजर बैंड क्या होता है और ज्यादा बेटर टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ऑनलाइन टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, जो कि बिगनर्स के लिए है, जो नए नए हैं मार्केट में या जिनको थोड़ा समय हुआ है, थोड़ा थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस आता है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स लाइव होता है शाम को 8 बजे से 9 बजे तक जूम के ऊपर, जो मैं खुद आके लेता हूं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप मनी लॉजी के ऐप पे जाइए, जो आपको प्ले स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल जाएगा। एंड्रॉइड के लिए भी है, iOS के लिए भी है। मनी लॉजी का ऐप डाउनलोड करें, सीधा मेरे ऐप पे जाइए, वहीं से कोर्स बाई कीजिए और आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा एज अ वेलकम कूपन, अगर आप पहली बार हमारे साइट को या मतलब ऐप को विजिट कर रहे हैं, तो कोई पहला कोर्स ले रहे हैं तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट इस मौके को गवाइएगा नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये आपने देख लिया भाई कि क्यों इस मूव को हम अच्छा मान रहे हैं। और मैंने आपको इससे पहले दिखा दिया कि निफ्टी ऑन एन एवरेज अपने बहुत समय के एवरेज के नीचे चल रहा है, तो काफी अच्छा समय है इसको अकुमुलेट करने का। इन दो एरिया पे नजर रखिए और माल दबोच के बैठ जाइए। ठीक है, तो
आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलूंगा बहुत जल्दी, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।